संजय सिंह राज्यसभा में दूसरी बार लेंगे सांसद की शपथ। राव रेवेन्यू कोर्ट ने शपथ लेने की इजाजत दे दी है। हाई सिक्योरिटी के बीच शपथ लेने पहुंचेंगे संजय सिंह। शपथ के बाद संजय सिंह को वापस जेल ले जाया जाएगा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि शपथ के बाद संजय सिंह को वापस जेल भेज दिया जाएगा। हाई सिक्योरिटी के बीच राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे संजय सिंह, दूसरी बार शपथ लेंगे राज्यसभा सांसद की। और इस बीच कई तरीके की पाबंदियां लगा दी गई है। कोर्ट ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन कई सारी पाबंदियों के साथ, जैसे कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मोबाइल फोन, साथ ही ना वो किसी से बातचीत कर सकते हैं, और इसी बीच ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना ही कोई बैठक कर सकते हैं। तो हाई सिक्योरिटी रखी गई है। हाई सिक्योरिटी के बीच शपथ लेने पहुंचेंगे संजय सिंह। शपथ के बाद संजय सिंह को वापस जेल भेज दिया जाएगा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, कितने बजे राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे संजय सिंह? हालांकि शुरुआती अगर जानकारी की बात करें तो 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है और दोपहर के समय यानी कि 11 बजे के बाद किसी भी वक्त संजय सिंह को जो तिहाड़ जेल से वो पार्लियामेंट लाया जाएगा और वहां पर वो राज्यसभा के सांसद के रूप में सदस्यता की शपथ लेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो राव सेवनी कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत दी थी, जिसमें वो अपने परिवार और अपने जो वकील हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा वो अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो आज जो है दूसरी बार राज्यसभा सांसद के तौर पर संजय सिंह शपथ लेंगे। इससे पहले भी वो दिल्ली के अंदर से ही राज्यसभा सांसद थे। टोटल मिलाकर बात करें तो दिल्ली के अंदर से 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, जो उसमें चाहे संजय सिंह हो, दूसरे एनडी गुप्ता हो, और तीसरा जो पहली बार महिला सांसद बनी है स्वाति मालीवाल हो, जो कि इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। फिलहाल संजय सिंह की बात करें तो इससे पहले भी कोर्ट ने जो है संजय सिंह को इजाजत दी थी अपने संसद की सदस्यता को शपथ लेने की, लेकिन उस समय जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, उन्होंने उनको ये कहा था कि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, हम आपको शपथ नहीं दिला सकते हैं। उसके बाद अब आप दोबारा से कोर्ट ने परमिशन ली है। हालांकि आज 11 बजे के बाद कभी भी तिहाड़ जेल से जो तमाम पुलिस का अमला है वो संजय सिंह को संसद लेकर पहुंचेगा और वहां पर उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता की शपथ है वो उनको दिलाई जाएगी। नमित, जब वो शपथ लेने जाएंगे तब सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ऑलरेडी तिहाड़ जेल से जब उनको हाई सिक्योरिटी जोन में लेकर आया जाएगा, पुलिस की बड़ी वैन में उनको लेकर आया जाएगा। इसके अलावा जिस गेट से पार्लियामेंट के जिस गेट से संजय सिंह एंट्री करेंगे वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को पहले से ही डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कई जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं संजय सिंह को संसद के अंदर पेश होने को लेकर, वहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सुरक्षा का मुद्दा है वो पुलिस को खुद देखना होगा। ऐसे में पुलिस ने काफी चाक चौबंद व्यवस्था न केवल तिहाड़ जेल के आसपास बल्कि तिहाड़ जेल से जब संजय सिंह को पार्लियामेंट तक लाया जाएगा उस रास्ते में भी कई जगह सिक्योरिटी अरेंजमेंट को जो काफी टाइट किया गया है। और पार्लियामेंट के जिस गेट से संजय सिंह एंट्री करेंगे वहां पर, जैसा मैं पहले बताया था कि पार्लियामेंट के आसपास भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। जी ठीक है नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।